हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर का पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट 2022 का क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था पीएचडी का, तो वो अपने क्वेश्चन को मैच करा सकते हैं क्योंकि आंसर की भी आ गई है। और जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है, जिन लोगों को नेट की तैयारी करना है, वो इन सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं क्योंकि सारे नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो नेट की तैयारी के लिए ये सारे क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आया हुआ था, जिनमें मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूँगी सेक्शन ए यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले 50 क्वेश्चन मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। इसके बाद जो मैं वीडियो लेकर आऊंगी, उसमें सब्जेक्टिव होगा जिसमें ड्राइंग एंड पेंटिंग होगा, उसमें भी 50 क्वेश्चन हैं। तो मेरे वीडियो में बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स इससे जितने भी मेरी नोटिफिकेशन आएगी उसके वीडियो भी आपको मिलते चलेंगे, आपके फिर एक भी वीडियो मिस भी नहीं होगा और कंटिन्यू आप सारी वीडियो को देख सकेंगे। जिन लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए, वो मेरे टेलीग्राम चैनल श्रीशा विजुअल आर्ट गैलरी से जुड़ जाएं। वहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन भेज दूंगी और उस टेलीग्राम की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ से भी जाके मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, उस वैचारिक ढांचे का नाम क्या है जिसमें शोध किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुसंधान डिज़ाइन यानी रिसर्च डिज़ाइन। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गुणात्मक शोध में महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नीचे से ऊपर के अनुभवजन्य साक्ष्य के साथ डेटा एकत्र करना, यानी सी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, इसमें मैं केवल आपको राइट आंसर बताऊंगी, इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, वरना काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। फिर थर्ड क्वेश्चन है, यादृच्छिक प्रतिचयन किस प्रकार सहायक होता है, हाउ इज़ रैंडम सैम्पलिंग हेल्पफुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिपिक टेबल के रूप में संदर्भित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, जिसमें तीनों क्वेश्चन क्या होंगे, तीनों ऑप्शन क्या होंगे, राइट होंगे। या आच्छादित अंकों की तालिका, नमूनाकरण विधियों से प्रयुक्त तालिका, सांख्यिकी जांच में प्रयुक्त तालिका, ऑल ऑफ द एबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त सभी थीसिस लेखन का प्रारूप एक जैसा है। ऑप्शन है संगोष्ठी प्रतिनिधित्व का लेखन, शोध पत्र लेखन तैयार करना, एक शोध निबंध, डी ऑप्शन है कार्यशाला सम्मेलन पत्र प्रस्तुत करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक शोध निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहभागी अनुसंधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन है। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, और फ्रेंड्स सत्य का पूछेगा तो ये तीनों ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सी स्थितियां हैं जिनमें टाइप वन त्रुटि होती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शून्य परिकल्पना सत्य होने पर भी खारिज हो जाती है। फ्रेंड्स, यहां पे बताया जा रहा है कि अगर नल हाइपोथेसिस है, अगर वो सत्य है तो भी वो क्या होगी, खारिज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधता की निम्नलिखित में से कौन सी विधि बहुत उपयोगी नहीं है। ऑप्शन है विषय वस्तु वैधता, आभासी वैधता, समवर्ती अवैधता, कसौटी वैधता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आभासी वैधता, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य अनुसंधान दृष्टिकोण वास्तव में किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दीर्घकालीन अनुसंधान यानी लॉन्ग टर्म रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 10, अनुसंधान शब्द से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन है लक्ष्य उन्मुखी, एक लक्ष्य अनुसरण करना, एक लक्ष्य प्राप्त करना, एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक लक्ष्य अनुसरण करना यानी फॉलोइंग एन एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शोध की विशेषताओं के अनुरूप नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुसंधान एक प्रक्रिया नहीं है यानी रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस। तो डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 12, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ए भी इसका सही है, बी और सी तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। नेक्स्ट है, अंतः विषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण लाने के लिए, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस प्रकार के शोध के निष्कर्षों के अन्य स्थितियों के लिए सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है आकस्मिक तुलनात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान। तो इसका राइट आंसर है हिस्टोरिकल रिसर्च, यानी ऐतिहासिक अनुसंधान, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी शोध की गहराई को कैसे आंके? ऑप्शन है शोध शीर्षक के अनुसार, शोध अवधि के अनुसार, अनुसंधान उद्देश्यों के अनुसार, अनुसंधान पर कुल व्यय द्वारा। तो इसका राइट आंसर है सी, अनुसंधान उद्देश्यों के अनुसार, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शोध की विधि नहीं है? ऑप्शन है सर्वे, ऐतिहासिक, अवलोकन, दार्शनिक। तो इसका राइट आंसर है सी, अवलोकन, यानी ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है, एक शोध समस्या तभी संभव है जब इसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता है, यह नया है और ज्ञान में कुछ जोड़ता है, या शोध योग्य है, या फिर उपयुक्त में से सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, वृत्त आलेखों का प्रयोग प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी, विभिन्न भाग संपूर्ण से कैसे संबंधित है, ये क्या देखता है, वृत्त आलेखों का प्रयोग। क्योंकि फ्रेंड्स वृत्त आलेखों का प्रयोग जब होता है तो यही प्रदर्शित करता है कि विभिन्न भाग जो हैं वो संपूर्ण से कैसे संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे गैर संभवता नमूनाकरण कहा जाता है, यानी विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यहाँ पे पूछ रहा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी है, ऑप्शन है कोटा सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग यानी गुच्छ प्रतिचयन, सिस्टमैटिक यानी कि व्यवस्थित प्रतिचयन, फिर है स्टेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यानी कि स्तरीकृत या आच्छादित प्रतिचयन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा कोटा प्रतिचयन, जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत आता है। उसके अलावा यहाँ पे जो तीन ऑप्शन और दिए हैं वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, तो इसको आप फ्रेंड्स जरूर याद कर लें, क्योंकि ये नेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोध प्रबंध के मूल तत्व क्या हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, सबसे पहले है प्रस्तावना, साहित्य की समीक्षा, अनुसंधान क्रियाविधि, परिणाम, देन लास्ट है चर्चा और निष्कर्ष, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, तैयार की गई समस्या में होनी चाहिए, ऑप्शन है मौलिकता, मूल्य, संबंध, तथ्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिकता, यानी कि ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन है, मान लीजिए ना तो प्रयोगकर्ता और ना ही विषय जानता है कि विषय को कौन सी प्रायोगिक स्थिति सौंपी गई है, इसे इस रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डबल ब्लाइंड, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्षेत्र प्रयोग और प्राकृतिक प्रयोग सामूहिक रूप से कहलाते हैं, ऑप्शन है यथार्थ प्रयोग, पूर्व प्रयोग, अर्ध प्रयोग, गलत प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अर्ध प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, गैर समतुल्य नियंत्रण समूह डिजाइन के उपयोग के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किसकी सहायता से किया जा सकता है? ऑप्शन है टी परीक्षण, वन वे एंकोवा, या तो टी टेस्ट या वन वे एंकोवा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, या तो टी टेस्ट या फिर वन वे एंकोवा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती चरों को नियंत्रित करने की विधियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी,
ऑल ऑफ दी एबव यानी कि उपयुक्त में से सभी, जिसमें आ जाएगा चयनात्मक हेरफेर, सांख्यिकीय हेरफेर, 80 नंबर पे आ जाएगा भौतिक हेरफेर। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक डिजाइन की आंतरिक वैधता के परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस मानदंड का उपयोग किया जाता है? तो इसका भी फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। यहाँ पे भी हो जाएगा नश्वरता, इतिहास, परिपक्वता, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट से सामान्यीकरण द्वारा निर्मित एक अमूर्तन है। ऑप्शन है परिकल्पना, चर, संकल्पना, तथ्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्सेप्ट यानी संकल्पना इज द राइट आंसर। फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संकल्पना दो प्रकार की होती हैं। ऑप्शन है सार और सुसंगत, ठोस और सुसंगत, सार और ठोस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सार और ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेड और टी परीक्षण के बीच मुख्य अंतर यह है कि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जेड परीक्षण के लिए जनसंख्या माध्य और मानक विचलन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, नमूना आकार बढ़ाने पर वितरण का आकार कैसे बदलता है? ऑप्शन है या व्यापक हो जाता है, या दिखने में अधिक सामान्य हो जाता है, ढालू हो जाता है, या फिर ये चपटा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है या दिखने में अधिक सामान्य हो जाता है, बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो नेट के सिलेबस से ही क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप इसमें से भी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप सारा क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, 50 क्वेश्चन है। और इसके बाद की जो मैं वीडियो लेकर आऊँगी उसमें ड्राइंग एंड पेंटिंग का लेकर आऊँगी, उसमें 50 क्वेश्चन ड्राइंग एंड पेंटिंग के हैं जो सारे फाइन आर्ट के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। और फ्रेंड्स अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो पूरा एकदम क्रीम है। अगर आप उस 50 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेक्षण आम तौर पर है सस्ता, महंगा, औसत दर्जे का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, महंगा यानी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेक्षण का अंतिम चरण है रिपोर्टिंग, क्षेत्र कार्य, असाइनमेंट, गणना। तो इसका राइट आंसर है ए, रिपोर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत से परिकल्पना की ओर जाता है। ऑप्शन है निगमन, डिडक्शन, आगमन, इंडक्शन, तार्किक निगमन यानी लॉजिकल डिडक्शन, नेक्स्ट है अवलोकन। तो इसका राइट आंसर है सी, तार्किक निगमन, लॉजिकल डिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकल्पना का स्रोत है। ऑप्शन है अंतर्ज्ञान, ज्ञान, ऊर्जा, सर्वे। तो इसका राइट आंसर है ए, अंतर्ज्ञान यानी इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान प्रक्रिया में अंतिम चरण है। ऑप्शन है समस्या निरूपण, डेटा संग्रहण, डेटा विश्लेषण, देन लास्ट है रिपोर्ट लेखन। तो इसका राइट आंसर है डी, रिपोर्ट राइटिंग यानी रिपोर्ट लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, एक शोध रिपोर्ट का औपचारिक विवरण है। ऑप्शन है अनुसंधान प्रक्रिया, अनुसंधान समस्या, डेटा संग्रहण, डेटा संपादन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुसंधान प्रक्रिया यानी रिसर्च प्रोसेस। क्वेश्चन है, अच्छी परिकल्पना का गुण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वैचारिक स्पष्टता यानी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। फिर नेक्स्ट है, एक परिकल्पना होनी चाहिए तितर बितर, विशिष्ट, मंद, तीव्र। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए स्पेसिफिक यानी विशिष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है, स्वतंत्र नमूना टी टेस्ट की व्याख्या करते समय निम्नलिखित में से कौन से आंकड़े महत्वपूर्ण हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जिनमें ये तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 40 क्वेश्चन, मौसम जितना अधिक गर्म और आर्द्र होता है एक व्यक्ति उतने कम कपड़े पहनता है, उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है नकारात्मक सहसंबंध यानी निगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक डाटा का उदाहरण है? ऑप्शन है पुस्तक, पत्रिका, समाचार पत्र, जनगणना रिपोर्ट।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुसंधान प्रक्रिया का पहला चरण है समस्या का निरूपण, डेटा का संग्रहण, संपादक और कोडिंग, एक समस्या का चयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सेलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम यानी कि समस्या का चयन। डी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 43। अनुसंधानकर्ता को शोध के लिए एक का चयन करना होता है। ऑप्शन है समस्या, चर, दोनों, ना तो ए और ना ही डी। तो इसका राइट आंसर है सी, बोथ, यानी समस्या और चर दोनों ही राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या का स्रोत नहीं है। ऑप्शन है साहित्य की समीक्षा, अनुपयोगी सिद्धांत, सम्मेलनों में प्रस्तुत पत्र, संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, साहित्य की समीक्षा। ए इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। निम्नलिखित में से कौन ऐतिहासिक अनुसंधान का शीर्षक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत में ब्रिटिश काल के दौरान स्कूल पाठ्यचर्या का एक अध्ययन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश काल के दौरान स्कूल पाठ्यचर्या का एक अध्ययन है। ऑप्शन है प्रश्नावली, सूची, इन्वेंटरी, स्तर। तो इसका राइट आंसर है सी, इन्वेंटरी। नेक्स्ट है प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किया गया है, एकत्र किया गया डेटा है। ऑप्शन है नामित स्तर, क्रम सूचक स्तर, अंतराल स्तर, अनुपात स्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नामित स्तर यानी कि नॉमिनल स्केल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगात्मक डिजाइन में मूल्यांकन किए जा रहे चर को कहा जाता है। ऑप्शन है आश्रित चर, मानदंड चर, स्वतंत्र चर, परस्पर चर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। फ्रेंड डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे यहाँ पे आश्रित चर जो प्रयोगात्मक डिजाइन के मूल्यांकन के लिए डिपेंड होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल अनुपात पैमाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्थिर शून्य। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर के यानी सेक्शन ए के। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन है सांख्यिकी और पैरामीटर के बीच के अंतर को कहा जाता है। ऑप्शन है त्रुटि, मानक विचलन। नेक्स्ट है प्रतिचयन त्रुटि। तो इसका राइट आंसर है डी, सैम्पलिंग एरर यानी प्रतिचयन त्रुटि। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं और जिन लोगों ने PSD का एग्ज़ाम दिया था वो अपने क्वेश्चंस को मैच करा सकते हैं, और जिन लोगों ने नहीं भी दिया है अगर वो नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें इसके आगे के क्वेश्चन को मैं कवर कराऊंगी, जो सेक्शन बी का है 51 से 100 तक के क्वेश्चन, जो ड्राइंग एंड पेंटिंग का है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन अच्छे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।